इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ रविवार को किया गया। 19 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के शुभारंभ अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के ईडी PND MM गेंद्रे व प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा विशेष रूप से शामिल रहे। इस्पात नगरी के सिविक सेंटर स्थित टेनिस कोर्ट में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के तत्वावधान में ITF वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। 19 से 27 मार्च तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में दिगर देशों के बॉयज गर्ल्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र के ईडी MM गेंद्रे व प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा प्रमुख रूप से शामिल हुए। शामिल अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान अभिजीत भौमिक असिस्टेंट मैनेजर स्पोर्ट्स डॉक्टर सौरभ मुखर्जी प्रेसिडेंट BSP टेनिस क्लब शामिल रहे। अतिथियों ने बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित अतिथियों ने टूर्नामेंट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की ओर से माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। उनके मार्गदर्शन में ये अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गद्रे साहब उपस्थित हैं, ईडी और डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। विशेष रूप से शतरंज के हमारी शख्सियत सखबंद के मशिया विनोद राठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज ये भिलाई में इस्पात नगरी में करीब 110 खिलाड़ी जो हैं बहुत जगह से यहाँ से प्रवेश किए हैं और आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी को, जो कि इंटरनेशनल में हमारी शतरंज में बहुत वो है, उसको DSP बनाने का निर्णय लिया है। ये हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन मिलेगा और भी खिलाड़ी जो खेल की ओर आग्रहित होंगे। विशेष रूप से मैं भिलाई स्टील प्लांट का बहुत सहयोग उनका हमेशा रहा है। ये जो कोर्ट है, इनके बिना हम कोई टूर्नामेंट नहीं कर पाते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के। भिलाई स्टील प्लांट ने 4 कोर्ट और 1 प्रैक्टिस कोर्ट, टोटल 5 कोर्ट और पूरा स्टेडियम का निर्माण करके टेनिस एसोसिएशन को दिया है। उसके लिए मैं भिलाई इस्पात संघ के ED साहब जो आज उपस्थित हैं, गद्रे साहब, उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करता हूं। और खेल में हमेशा लोगों का सहयोग मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा। ठीक, रेल जो है भिलाई स्टील प्लांट की शान है और रेल है तो सेल है, ये नारा आज से कुछ साल पहले भी लगा था, आज भी ये प्रासंगिक है और आने वाले समय में रहेगा, क्योंकि रेल एक इस तरह की कमोडिटी है जो हम यहाँ डेवलप करते हैं और अभी आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी होने वाली जो रेल की ग्रेड है, उस ग्रेड की भी रेल, मैं थोड़ा टेक्निकल और हो जाऊँ तो हेड हार्डन रेल है, वो सब हम लोग यहाँ बना रहे हैं और रेलवे की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर रहे हैं। और भिलाई स्टील प्लांट हमेशा से ही खेलों को प्रोत्साहन देता रहा है और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि ये स्टेडियम का निर्माण हमने कराया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हमने अपने बच्चों के लिए उपलब्ध कराया है ताकि यहाँ से टेनिस के प्रति जो थोड़ा सा लोगों में ये आकर्षण कम था, मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 साल में यहाँ पे टेनिस के प्रति लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, इस खेल को खूब समझने लगे, अदरवाइज क्रिकेट के ही पीछे लगे रहते थे बच्चे पहले। यहाँ 110 खिलाड़ियों को देखकर मुझे लग रहा है कि भिलाई का भविष्य है, भारत का भविष्य जो है इन हाथों में सुरक्षित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे खिलाड़ी जरूर निकलेंगे। बहरहाल, इस 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट का समापन 27 मार्च को होगा। विजयी प्रतिभागियों को यहां पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।